I am so excited to bring you this segment, which is known as WordPress Superhero. वर्ल्ड प्रेस के सुपर हीरोज कौन है वर्ल्ड प्रेस के सुपर हीरोज आर अमेजिंग पीपल जिन्होंने सबसे पहले तो अपनी जिंदगी बदली उसके बाद उन्होंने अपने इर्द गिर्द लोगों की जिंदगी बदली या उन्होंने सोसाइटी को किसी तरह से ट्रांसफॉर्म किया एंड दिस पर्सन दैट आई एम अबाउट टू इनवाइट इज वन दैट यू प्रॉब्बली नो और यू प्रोबली हैव सीन एज पार्ट ऑफ द डी स्किल्स कोर्सेस बिकॉज दिस गाय रंस मोस्ट पॉपुलर डीजी स्किल्स कोर्स ऑन फ्री ये कोर्स क्या है ये कोर्स आपको सिखाएगा कि आप फ्री कैसे बन सकते हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में इट्स हाफ द जॉब टू नो द टेक्निकल स्किल्स द अदर हाफ इज अबाउट नोइंग योर सेल्फ इज अबाउट कीपिंग योर सेल्फ मोटिवेटेड इज अबाउट फाइंडिंग दट पैशन आई फील सो इंस्पायर्ड दिस पर्सन क्योंकि काफी चीजों में इन्होंने मुझे मेरे जर्नी में इंस्पायर किया सो आई एम वेरी प्लीज टू इनवाइटर कैसे ठीक ठाक आप सुनो जबरदस्त ठीक ठाक कैसा लग रहा है आपको दोबारा कैमरे पे आके बैक इट्स भूल गया था लेकिन स्क्रीन की वजह से भूलाना आसान नहीं जब तक डिजी स्किल्स मैं रहूंगा इंशाल्लाह जबरदस्त तो हम आपको इस सेगमेंट में लाने की वजह आपको हमारी जो एक ऑनलाइन व्यूअरशिप है जो ऑडियंस है उनसे मिलवाना है बट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट अभी तक आपने उनको बताया कि फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं आपने उनको उनके पैशन निकाला उनको मोटिवेट किया बट नाउ वी वांट टू नो द सक्सेस स्टोरी ऑफ बीइंग ग्रो हमारे सामने वी हैव सीन यू स्टार्ट दिस वेबसाइट एंड वी हैव सीन यू कि आपने कैसे उस वेबसाइट की ट्रैफिक बिल्ड की और ऑडियंस बिल्ड की सो कैन यू टेल अ लिटिल बिट टू द पीपल हु आर वाचिंग के व्हाई डिड यू डिसाइड टू स्टार्ट दिस वेबसाइट सबसे पहले तो चुका आपका कोर्स वर्डप्रेस का तो बीइंग गुरु इज एक्चुअली डेवलप्ड इन वर्डप्रेस लेकिन इस बीइंग गुरु के प्लेटफार्म या इनिशिएटिव से पहले मैं तीन वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म्स और इनिशिएटिव्स को बर्बाद कर चुका हूँ बिकॉज आई डिड नॉट डन और उनसे जो मैंने गलतियां सीखी तो वो गलतियां मैंने गुरु के इनिशिएटिव में अप्लाई की कि आप अपने ऑडियंस को मद्देनजर रख के मैं एक अपनी वीडियोस में बात बोलता था कार्रवाई करें ये बड़ा जरूरी है <laughs> क्योंकि जब आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का नहीं पता तो आपको ये जो भी कंटेंट आप रख रहे हो अपने वेब पे वो उसके साथ रेजोनेट ही नहीं करेंगे वो उसको देखेंगे नहीं और वो फिर उसके साथ हुक नहीं रहेंगे चाहे इमोशनली चाहे थ्रू यू नो एनी अदर मीडियम और और एनी अदर फॉर दैट मैटर जरूरी ये है कि आप टारगेट ऑडियंस देख के फिर अपने वर्ड की वेबसाइट की बुनियाद रखें मेरी टारगेट ऑडियंस वो थी टू पिक्वेज अल्लाह ने मुझे बड़ी इंस्पिरेशनल जुबान दिया ऐसे लोग स्टार्ट करते हुए ये कोशिश की कि टारगेट ऑडियंस इन माइंड रखी जाए और सबसे जरूरी बात उनको इंस्पायर किया जाए उनको मोटिवेट किया जाए बिकॉज जब इंस्पिरेशन होती है तो कोई लॉजिकल और इमोशनल रीजन भी होती है ब्रांड के साथ हुकअप रहने की हुकअप करना और हुकअप रखना दो अलग चीजें एक दफा आया हुक्प हो गया चला गया आपका विजिटर बट वो रिटेन उसी वक्त होगा जब उसके इमोशनल बिहेवियर के साथ आपका ब्रांड रेजोनेट करेगा सो बीइंग गुरु के केस में मैंने रिटेंशन पे ज्यादा जोर दिया कि उन आंसर को सोसाइटी के मुलाजमत के फैमिली के प्रोमोट करूं जिनकी वजह से सोसाइटी में डिप्रेशन होता है और बीइंग गुरु ने फिर मोटिवेशनल यू नो टॉक्स पोस्ट वो प्रमोट करना शुरू कर दी की वेबसाइट इससे आसान और अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता था आई एम श्योर आप इनको बता के आ, डिटेल से आ रहे होगे कि वर्डप्रेस क्यों जरूरी है बट मेरे नजदीक इट्स जस्ट अ वन प्लग एंड प्ले एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री रेस्ट इज बीइंग गुरु जबरदस्त एंड आई वुड लव टू नो द व्यूअर्स वुड लव टू नो कि ये जो गुरु का لفظ है यू आर नोन एज द गुरु ऑफ व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग related to freelancing online businesses हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं कि ये गुरु की क्या स्टोरी है गुरु आप कहां किस तरह से आपका ये जर्नी स्टार्ट हुआ व्हाट वाज द प्लेटफार्म दैट यू यूज्ड टू वर्क ऑन एंड आगे के आपके क्या प्लान्स हैं ये वो बात थी जो मैं अपने कोर्स में नहीं बता सकता क्योंकि जाहिर है फिर वो सेल्फ प्रेज में चली जाती बट नो सेल्फ प्रेज यहाँ पे ये बता ब, बता देता हूँ आप लोगों को कि guru.com इज अ फ्रीलांस मार्केट प्लेस आप लोगों से बहुत सारे को पता लग गया जो कोर्स जो है वो फ्री का भी साथ साथ अटेम्प्टे गुरु डॉट कॉम दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी फ्री लांस मार्केट प्लेस है और मेरी स्टोरी यहां पे तीन तरीकों से फिट इन करती है साथ द फर्स्ट आई वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी हु टॉप टेन ऑन गुरु डॉट कॉम आई एक्चुअली वॉज टॉप सीड आउट ऑफ टू मिलियन फ्री लास्स फॉर वीक्स इट्स इन अचीवमेंट आई एम प्राउड ऑफ स्टोरी अगार्ड माई ग्रैंड चिल्ड्रन टू टेल दूसरी बात गुरु डॉट कॉम पर मेरी अचीवमेंट की वजह से मुझे हॉल ऑफ फेम यानी कि प्रोग्राम में आज से पहले किसी पाकिस्तानी को हॉल ऑफ फेम नहीं मिला था गुरु डॉट कॉम पे और तीसरी स्टोरी वो ऑफकोर्स दॉट समथिंग आई एम प्राउड ऑफ बट चूंकि चल पड़ी वो मिलियन डॉलर जिसने कमाए है। तो वो जब मैं लोगों को जाके बताता था यूनिवर्सिटी सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में कि गुरु डॉट कॉम पे मेरी अचीवमेंट है तो एक दिन मुझे पता लगा कि मेरा नाम ही गुरु पड़ गया <laughs> <laughs> तो वहीं से गुरु के साथ बीइंग you know, गुरु एसोसिएट कर दिया और ये बताने की कोशिश की जबरदस्त एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी क्रिटिकल वहां पे जो एक कोई यंग बच्चा एनी वन प्रोफेशनल जो हमें देख रहा है और हमारी इस बात को सुन रहा है समझ रहा है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर सीखते हुए क्या वो फ्री लांसर बने या वो एक स्मार्ट वर्कर बने एंड जस्ट टू गिव यू क्विक कॉन्टेक्ट ऑनप्रनोर ऑबली एक ऑनलाइन बिजनेसर फॉर आर समू वॉन्ट टू वर्क ऑनलाइन इन मेक मनी स्मार्ट वर्कर हमारे लिए वो है जो हमारे टूल को यूज करके कहीं अच्छी नौकरी ढूंढ सकता है आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि फॉर यू वट इज योर एडवाइस टू दैट यंग पर्सन सिटिंग आउट टू अस कि वो किस तरह से अपना एक पाथवे बनाए अपनी आपको सक्सेसफुल करने के लिए इन दिस लर्निंग जर्नी वेदर इट्स टू फील आंसिंग वर्ल्ड प्रेस क्या आप तीन ये जो ऑप्शन दिए मैंने आपको इनमें से आप उसको सजेस्ट करें रीजन वाई आई विल चूज फ्री लांसिंग देखो मैंने बींग के के कि पैसा अनलिमिटेड है स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं और एंडिंग डेस्टिनेशन को डिफाइन कर लेते हैं so, आपके तीन ऑप्शन में से मैं दो पिक कर लेता हूं एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया प्ले स्मार्ट लर्न स्मार्ट एन ऑफर दैट सर्विस as an employee for perhaps couple of years uh, in, in your career. Start में जो new visa. Once you get good at it, आपको plugins की command होगी जो आपने बताए होंगे जो आपको uh, WordPress पे काम करने की command हो गई responsive theme and all that stuff. उसके बाद उस skill को अपने freelance काम के लिए use करना शुरू कर दें on freelance marketplaces. प्लेसेस आपके पास experience आ गया उस एक्सपीरियंस को लेके आप एज अ फ्रीलांसर अपनी जॉब की तनख्वाह से बेशुमार कमा सकते हो यानी कि यहां द लिमिट बिल्कुल परफेक्ट फिट होता है आप दो एक साल या डेढ़ एक साल जितना आप बेहतर समझते हो अपनी स्किल को पॉलिश करो किसी के लिए जॉब करीजिए स्मार्ट सीखिए और सीखने के बाद मेरी गुजारिश है इस सर्विस को फ्रीलांस मार्केट प्लेस बेचिए अपना ब्लॉग चलाइए जैसे मैंने इस सर्विस को एज अ वर्ड प्रेस डिवेलपर फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे बेचा भी और मैंने गुरु के प्लेटफॉर्म में इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म uh, को यूज करते हुए बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ डू यू मोटिवेट यूर सेल्फ एवरीडे एंड साथ ही <laughs> 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 last, least, you साथ आपकी क्या एडवाइस है

देखते हैं झंडा लगा होता है हम ये सारा काम क्यों करें डी जिसका उस पर इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान करंटली रैंक फोर्थ एज टॉप फ्रीलांसिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री हम चाहते हैं कि हम चौथे से पहले नंबर पर चले जाए अच्छा वो कैसे होगा इन लोगों की वजह से होगा जो अभी देख रहे हैं जो काम करना सीखेंगे जो अपनी स्किल में महारत हासिल करेंगे और उसके बाद वो उनके लिए पूरा इवन फील्ड है सो so, मुझे जो चीज हमेशा इंस्पायर करती रही और आज तक करती है एवरी सिंगल मॉर्निंग आई वॉन्ट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। यहां तक मेरा जर्नी पहुंच गया अब इससे बेहतर होना चाहिए हदीस शरीफ है कि मोमिन के दो दिन अगर एक जैसे हो तो खसारे में है यानी कि तुम्हारा आज का दिन तुम्हारे गुजरे हुए दिन से बेहतर होना चाहिए और तुम्हारा आने वाला दिन तुम्हारे आज के दिन से बेहतर होना चाहिए इसीलिए अशरफुलमखलूक कहलाते हैं हम ग्रो करते हैं हम अपने लिए बेहतर मौके ढूंढते हैं उसमें आ, मैंने जो चीज़ देखी है वन ऑफ द मोस्ट एस्पायरिंग फैक्टर इन रिसेंट ईयर्स इज माई एबिलिटी बिस्टोर्ड अपॉन ऑल टू कंट्रीब्यूट एंड पे बैक टू माई कम्यूनिटी अच्छा ये चीज मुझे बड़ी इंस्पायर करती है कि किसी ना किसी तरीके से ना आ, लोगों को तैयार किया जाए ये मेरा एक मोटिवेशनल फैक्टर है बिकॉज सक्सेस जो है ना इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस तो तय ये पाया कि खुश रहोगे तो कामयाब हो गए कामयाब हो गए तो पैसा कमाओगे मेरी पहली खुशी लोगों के साथ है और दू, जो दूसरा उसमें एट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो ये कि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में होना चाहिए नेक्स्ट बिग आइडिया पाकिस्तान से निकलना चाहिए अगर आज आप वर्ड प्रेस को यूज करते हुए आप कल ऐसी साइट बना लो जो दुनिया भर में मशहूर हो जाए जबरदस्त थैंक यू सो मच आई थिंक विद दिस इंस्पायरिंग नोट ये वाला हमारा जो सेगमेंट है इस तरह बहुत सारे और वर्ड प्रेस के सुपर हीरोज है जिनसे हम आपको मिलवाना चाह रहे हैं बिकॉज वर्ड प्रेस इज जस्ट अ टूल ये सिर्फ एक टूल है देर इज अ वर्ल्ड आउट आपने बनाना है आपने वर्ल्ड प्लेस को यूज करते हुए दुनिया की सबसे बिगेस्ट वेबसाइट विद मोस्ट ट्रैफिक बनानी है आपने इस साइट को यूज करते हुए अपनी जिंदगी बदलनी है आपने इस साइट को यूज करते हुए अपने इर्द गिर्द लोगों की जिंदगी बदलनी है विद पीपल लाइक हिशाम हु आर आर मैंटोर्स हुटे विद एस हु टीचर्स वी आर होपफुल कि हम पाकिस्तान को एक नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल इकानमी बना सकेंगे आई होप यू लर्न बट देर इज मच मोर टू कम इन द फ्यूचर लेसेंस लेट्स ग्रो टूगेदर लेट्स वर्क टुगेदर एंड लेट्स चेंज पाकिस्तान